सिरसा वासियों के लिए पूरा काम साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी का। सहयोग तो ये हमेशा करते ही आ रहे हैं और इन्होंने लोगों के दिलों में जो स्थान बनाया, मैं संत नगर में जाता रहता हूँ मुझे पता है, तो दिलों में स्थान बनाया। तो आप देखो इलेक्शन होने के बाद और जीतने के बाद, और वो बिना कोई कारण बताए, और उन्होंने उस चुनाव को स्थगित कर दिया। कारण नहीं बताया, कोई कारण नहीं बताया। तो कब तक करेंगे भैया? लोगों को पता है कि हमारे जो, मैंने तो उनको घोड़े पर जब बैठे थे तो मैंने कहा था कि जाने वाले जरा होशियार यहाँ के जी का वो गाना मुझे याद आया। वाकई मैं जो कहता हूँ मैं सच कहता हूँ, जो जी कहा था ना मैंने आपको, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है राजकुमार जी की बात आ रही है। तो बड़ा अच्छा लगा। मैं तो खुद ये, क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, इसलिए सबको जोड़कर रखना, जोड़ने की कोशिश करना, ये हमें सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है। तो ऐसा ही काम में राजकुमार जी भी कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था जयचंदा जी, जयचंदा जी ने एक बार जोरदार तालियां जयचंदा जी। मैं सच बताऊं, मुझे पहले जब पता लगा कि डायरेक्टर बनाया गया जयचंदा जी को, तो मैं सही बताता हूं जी, सही बताऊंगा जय जी, आप भी सुनेंगे। जब आपको डायरेक्टर बनाया गया और ये सब बड़े बड़े लोग मैंने देखे, तो मैंने कहा कि इन सब बड़े लोगों के बीच में क्या जयचंदा जी डायरेक्शन का काम कर पाएंगे? ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो इतने अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों की रामलीला पहले होती थी, अब बड़ों की रामलीला, उसमें बड़े निखार की जरूरत होती है, बड़ी बारीकियां देखनी होती है। ठीक है, फिर बच्चों को भी साथ लेकर चलना, बड़ों को भी साथ लेकर चलना। तो लेकिन जब उन्होंने किया, भाई साहब जब श्रवण कुमार का रोल किया, मुझे जो है, क्योंकि मैं भी वही कॉलोनी में उसी पार्क में ही रहता हूं जी, समझे, मुझे लोगों ने कहा कि जी कमाल कर दी ऐसा रोल श्रवण कुमार का, और फोटो खिंचवानी है जी, हमने फोटो खिंचवानी है, ऐसा कुछ लोगों ने, और फोन पर कई फोन आते थे। सबको पता है कि मैं कॉलोनी में थोड़ा सा, मतलब राजनीति में कह लो, सामाजिकता में कह लो, थोड़ा सा आगे रहता था। ठीक है, तो कईयों के फोन आए, सबने बड़ी सराहना की जयचंदा जी के रोल की, श्रवण कुमार का रोल किया, उसके बाद भरत का रोल किया, और शिवम कुमार कहां पर है? शिवम खड़ा हो जा, इधर आ जा, तो मेरे पास आ जा। शिवम कुमार इसने लक्ष्मण का रोल किया, मेरे साथ बैठे थे गोविंद कांडा जी। भाई साहब मैं गोविंद कांडा जी से पूछवा दूंगा ना यकीन हो तो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सही बोलता हूं। गोविंद कांडा जी ने इसके रोल को देख करके पूछा कि ये कलाकार बाहर से बनवाए क्या? कहते कलाकार बाहर से आए क्या? मैंने एक बार सोचा कि मैं कह दूं अपने नंबर बनाने के लिए कि कलाकार बाहर से बनवाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, बाहर से आने वाले भी तो इंसान ही होते हैं। मैंने कहा जी ये पार्क के बिल्कुल सामने रहते हैं। तो इतना अच्छा रोल किया, इनके रोल से खुश होकर के गोविंद कांडा जी ने, और घोषणा की, मंच से घोषणा की कि मेरे पास इनको अपने स्कूल में भेजो, सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाऊंगा मैं इस बच्चे को। ऐसा ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये हमारे बच्चों के रोल को देख करके, और कोई ये कहे कि आप इनको मेरे पास
तो इतनी बड़ी उपलब्धि, और जिस रोल से लक्ष्मण का रोल किया, बहुत अच्छा रोल किया, उसके बाद और भी दो तीन रोल किए, हर रोल में फिट हुए, तो बहुत अच्छा। तो मैं निवेदन करूंगा शिवम कुमार से कि दो शब्द जो है डायलॉग भी आप बोलेंगे, पहले डायलॉग बोलेंगे फिर दो शब्द भी बोलेंगे, ठीक है? डायलॉग से पहले इसके दो शब्द आने चाहिए, इसके विचार आने चाहिए। पहले दो शब्द शिवम कुमार, आमिर को मुझे दो शब्द बोलने नहीं आते, मेरे को दो शब्द बोलने नहीं सिंह, दीप सिंगर जी और
दो तीन मिनट में पहुंचने वाले हैं, वो आएंगे तो उनके सामने मैं उनके बारे में बताऊंगा। दो तीन मिनट में हमारे बीच में सिंहदीप सिंगर जी आने वाले हैं, तो उससे पहले मैं जो है हरपाल सिंह खैरी, इन्होंने जो मेहनत की, देखो जी अब आप बोले भी उसने भी मेहनत की, उसने भी मेहनत की, उसने भी मेहनत की, तो भाई साहब टीम वर्क ही होता होगा, एक अकेले की मेहनत से क्या होगा। हरपाल सिंह जी ने जो कलेक्शन की, डेली ये कलेक्शन के लिए घूमते थे और हर सीन के बाद जो अनाउंसमेंट होती थी 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए फलाने राम जी 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए सारी कलेक्शन का काम जो किया वो हरपाल सिंह हैरी जी ने किया। जोरदार तालियां। मैं जा रहा हूँ, तुमने बहुत बड़ा बड़ा सिटी में इज्जत दे दी, तुम्हें बहुत धन्यवाद। दो शब्द बोलो, बच्चे हैं आपके, बच्चे हैं सारे, बड़े लोग भी आपके भाई बंधु हैं, इनको जो है मैसेज दो आगे आने वाले समय के लिए। आने वाले टाइम में और तो कुछ नहीं, बस छोटी मोटी बातें हैं जो हो जाती है, मैं वही चाहता हूँ कि आगे हम मिलके चलें और कुछ भी ऐसा ना हो किसी भी तरफ से, बस एक साथ मिलके चलेंगे, जैसा भी होगा वैसा एक दूसरे के साथ मिलके करेंगे, बस हमारा यही प्रण है कि क्लब को और अच्छी लेके जाए आगे। जब तक सेट होता है तब तक मैं अगले कलाकार पूछना चाहूंगा कि किनको बुलाया है। अंश कुमार, मिस्टर अंश कुमार वो कहते हैं पहले अंदर आ, सिर्फ दसरा जी की बोल रहे हैं, वो कहता मैंने पता है की बोल रहे हैं, तू मैं की दसेगा हैं। अंश कुमार जी ने खूब सेवा की और माता रानी की भेंट आपके बीच में बोलेंगे। अच्छा पहले दो शब्द बोलेंगे, पहले कोई और गाना उसके बाद माता रानी की भेंट। आप सबसे निवेदन, कोई मोबाइल नहीं देखेगा, मोबाइल नहीं देखेगा, सब सीधे बैठ जाओ, ये आपका कार्यक्रम है बच्चों, आपके लिए ये कार्यक्रम। और एक चीज बता दो, एक बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि आप किसी भी शादी में जाओ, अपने आप ही कुछ खाया नहीं खाया कोई दिक्कत नहीं, समझे, किसी जागरण में जाओ कहीं भी जाओ, ये जितनी रिस्पेक्ट आपको यहाँ मिल रही है ना, जितनी रिस्पेक्ट यहाँ आपको मिल रही है और राजकुमार जी के द्वारा मिल रही है, ठीक है, जोरदार तालियां एक बार दीजिए। राजकुमार जी आपको एक गाना सुनाएंगे, उसके बाद माता रानी की भेंट सुनाएंगे। अंश कुमार बोल, सियामती राम चंद्र की हो आप बोले ओ
Thank you.
तो बहुत ही सुंदर भजन और गीत हमारे इस छोटे से नन्हे मुन्ने कलाकार ने आपके बीच में गया। और अब आ रहे हैं हमारे हरपाल जी हैरी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दे देंगे हरपाल जी हैरी, कृपया जोरदार तालियां बजाएं हमारी। इनके लिए थोड़ा सा बता दो कि हमारी जो कलेक्शन होती थी लीला की जितनी भी कलेक्शन होती थी ये अकेले सारे प्रधान में जाकर के और हजारों की संख्या में जो है संख्या कह लो या रुपयों में लेके आते थे और इन्होंने 10 दिनों में लगभग लाखों के हिसाब से इन्होंने पैसे इकट्ठे किए। जोरदार तालियां लगाई इनके लिए हरपाल जी हरी, बहुत ही मिलती है। और मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, कोई गलती हो जाए तो मैं कमा
जैसे मिल रही हो इत्र से हवा काफी तू माने आना मन दिलदारा
मैं टीचर हूं तो टिक लगाने के काम में देखता। कहते जी ये जो टिक लेना, इनके असिस्टेंट से मेरी बात हुई, कहते जी ये टिक कैसे नहीं लगता। आप सब जो यूट्यूब चलाने वाले हैं, नौजवान हैं, उनको पता है। तो सिंगर को एक जो टिक मिलता है वेरिफिकेशन वाला, वो इनको मिला हुआ है। तो मेरे लिए गर्व की बात है, मैं जो है हृदय से आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे कहने पर ऐसा मैं वो कुछ लोग कहते ना कि तेरी की चलती है, समझे, तेनू कौन जानता है, ऐसी बातें लोग करते हैं जी मेरे साथ, भी तेनू कौन जानता है तेरी की चलती है। तो मेरी भाई साहब चलती है, देखो चंडीगढ़ जाना सी, मेरे कहने पर मैंने चंडीगढ़ जाना कैंसिल किया। एक बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट हो जाए और एक बार वो चला दो जी ट्रेनिंग वाला और सिंग टीम सिंगर वैसे मैं डबडा का लगा है नहीं जिन्ना पर सब कुछ दास्ता और ना ही मैं कोई ज्यादा सूफिया गाने आते मैं तो जट्टा वाले थोड़े सीधे साधे जे गाने आते हैं। और सब तो पहला मैं थोड़ा सारे बहुत बहुत बधाई देना जो तुम रामलीला से 15-20 दिन सेवा की है तो सब तो पहला थोड़ा सारे प्रणाम परमात्मा करे क्योंकि सिरसा वाले ने बहुत प्यार दिता सिरसा वाले ने खास करके सिरसा वाले लवी क्योंकि मेरी यही कामना है कि दिन दुनी रात चौकनी तुसी भी तरक्की करो क्योंकि कहानी बदल सकती है तराना बदल सकता है निगमे बदल सकते हैं फसाना बदल सकता है शर्त सिर्फ इतनी है कि हम अपनी निगाहें बदले हिंदुस्तान तो क्या साकी जमाना बदल सकता है। मैं ये सॉन्ग बना के असी तो घरे बैठे सी तो इतने ही दोस्तों के फोन आ लगे कि थोड़ा गाना इंस्टाग्राम से बहुत लोगों ने लखा लोगों ने रीलां बनानियां शुरू कर दी थोड़ा मिलियन सॉन्ग चल रहा है तो मैं दिलों मैं खुशी हुई और मैं दिलों मैं ये चाहना कि आप सारे उस गाने से नचिए तो प्लीज जो गाना अपना हिट हो प्लीज थैंक यू लव यू सर एंड लव यू प्लीज प्ले
ठीक है जी। अच्छा कहते चार लाइन आपके वैसे भी सुना के जाए, चलो जरूर सिर्फ चार लाइन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। दुख बड़े वेखे मैं, बड़ा माड़ा टाइम कटिया, मेहनत भी कीती बड़ी, पिछे नहीं हटिया, दशहरे वाले दिन सुबह
बजे भाई साहब सुनने वाली बात है। डेडिकेशन क्या होती है ये मैंने लाइव अपनी आंखों से देखा है। इनके बेटे की डेथ हो गई भाई साहब सुबह 4 बजे, इनके 8-10 दिन से बेटा एडमिट चल रहा था, दशहरे वाले दिन सुबह 4 बजे बेटे की डेथ हो गई। लेकिन हम इनके घर में गए, सोनी साहब, मैं, प्रधान जी और 2-3 लोग, हमने इनसे पूछा कि जी बताओ कैसे करना है। ये कहते जी राम जी का काम है, वो तो होना ही है, राम दहन का कार्यक्रम तो होना ही है, शोभा यात्रा भी निकालो, सारा काम करो। और थोड़ी देर में मतलब 9 बजे 9:30 बजे जय चंदा जी हमारे ग्राउंड के अंदर थे। Thank you.
जय चंदा जी और हमारे सोनू जी के करते रोहित रवि कुमार रवि कुमार कुछ डायलॉग बोल के अरे ओ पाली अरे ओ पाली बाहर निकल ऐसे अंदर चिपके क्या बैठे है बाहर निकल पहले डायलॉग बोलना है लो पहले डायलॉग कौन सा बोलोगे जय श्री राम तालियां जोरदार
मोहित जिन्होंने छोटे राम का रोल किया था, मोहित 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 माणिक सोनी हमारे माणिक सोनी इनके लिए स्पेशल जोरदार तालियां। माणिक सोनी माणिक तालियां बजती रहे माणिक सोनी के लिए। हां जी जय बहुत प्यारा जय हो। फोटो की बोले होगी एक बार बोल रहे आ जा क्या मेरे बाप और बहुत सुनो करे ठीक है मेरे बाप और बहुत सुनो करे हां जी अगला नाम आहिल सिंह आहिल आहिल सिंह उमेश जी का बेटा वाह जी वाह जोरदार तालियां छोटे से नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे ये भी बोलेगा कुछ चिंटू चिंटू मिस्टर चिंटू साका, 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 साका,
प्रेम दिया गाना सुनाए। प्रेम भैया गाना सुनाए। प्रेम भैया गाना सुनाए। आप पहले के ताली बजाएंगे। हां थोड़ा आया प्रेम लगाए गाना। हो जाओ सारे खड़े हो जाओ मेरे। प्रेम जी के लिए जोरदार तालियां। साके साका इधर आ अपने केड़ा सुनना पसंद करते हो? केड़ा मर्जी इधर आया। चोरी चोरी तक क्यों नहीं अपना
इको कॉलेज दे विच पढ़ते सी पढ़ते दो Thank you.
पहले एक बात बोल दूं, सारे बच्चे इधर आ जाओ, आ जाओ आप सभी बच्चे आ जाओ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप सब मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे बराबर के भाइयों को। म्यूजिक मास्टर थोड़ा म्यूजिक बंद कर दो। तुम मेरे ना ये लगा लो लगते जिगर, जैसे मेरे माणिक है वैसे तुम हो। तालियां में ही जोरदार। Yes.
मोड़ना बच्चे की करी जंदे यार बच्चे उस साइड में बैठे यार बैठा एक बार बैठ बच्चों शांति व्यवस्था बनाए रखो सारे बच्चे बैठ जाओ शांति चाहिए ब्राह्मण में ये क्या शांति चाहिए ब्राह्मण में बैठ जाओ सारे बैठ जाओ जी कैमरा बूटे पे बानर से ना बैठ जाओ बानर सेना ने गुब्बारे भी सारे तोड़ के जाने हैं भाई जाते टाइम पहले नहीं
Thank you.
Thank you.
Gracias.
गाना रिकॉर्ड किया था मैंने, सारे को तो सुनाऊं यहाँ पे अनरिलीज गाना मेरा वो और रिलीज नहीं किया था। मुझे एक चीज लग रही है आज भी जो सिंह दीप जी के कारण मेरे नंबर बने थे वो नंबर सारे खत्म होने वाले हो गए खत्म, प्रेम ने खत्म कर दिया सारे। मतलब मैं जैसा था मतलब लोगों की नजरों में भी तेनू कौन जानता है, मैं उन्हीं नजरों में वापस जाऊंगा ऐसा मुझे प्रेम इसमें हंसने वाली बात नहीं है, एंट्री ऐसे करता है। राजकुमार अंकल जी ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया था 21 दिन पहले, तो रिव्यू लेना चाहूंगा सारा मैं जितने भी यहाँ पे हैं, ठीक है मानिए ध्यान से सुन के बताना है। थोड़ी सी कोशिश की है, गाना नहीं आता मेरे को लेकिन कोशिश की है, थोड़ा सा ऑटो ट्यून का कमाल है। तो मानिक प्ले कर सारे रिव्यू दिल तो देना सारे दिल के करीब ही है यार गाना। तेरी मेरी तेरे तो कई सवाल चल कोई ना जे तू छड़ के गई समझ ते आऊं जेड़ा नाल तू बिताया जिन्ना ज्यादा हसया मैं उन्ना तू रवाया समझ ते आऊं जेड़ा नाल तू बिताया जिन्ना ज्यादा हसया मैं उन्ना तू रवाया और किसे दा मैं इन्ना कर भी ना पाया इन्ना कुछ होया पर चेता तेरा आया चल कोई ना कुछ कोई ना रो रो हाँ मेरे पुरे साथ में आई पार्टी की
एक मिनट मेरे अंगने में तुम्हारा क्या
ਕਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਮਾਨਿਕ भाई साहब मेरे नंबर जो थोड़े से फले थे ना सिंह दीप के कारण वो मतलब जो थोड़े से बचे थे प्रेम के कारण कुछ कम हो गए थे थोड़े से बचे हुए थे वो नंबर मैंने खा गए अब जो क्या कर रहे हो तीनों क्या मेरे गल साहब आप सारे डांस कर रहे थे ना साका गिफ्ट इलाज ला के देख रहे थे बहुत एंजॉय किया राजकुमार मानिक भैया मानिक भैया बहुत आपका टीम का ना अगर मैं ज्यादा बधाई दूंगा तो आपको लगेगा ये शायद हवा हो गया राजकुमार जी जिन बच्चों ने
मुझे माफी चाहता हूँ। अब इन बानरों के आगे मेरे नहीं चलता। कैमरा चुनौती आओ प्रेम भैया साइड होना होते हुए यानी जिन पानी का डाली है ये शब्द है
जोरदार तालियां। देखो एक किन्नी कैसी, इतना एनर्जेटिक लड़का, इतनी एनर्जी वाला, जोर शोर से नाचना, और कितना शांत। इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का रोल किया, अपने स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल। एक बार फिर से जोरदार तालियां लगाएं। हाँ जी कशिश, जिन्होंने सीता जी का रोल किया था, कशिश। हाँ जी तालियों के साथ कशिश, इनके लिए जोरदार तालियां लगाएं। लेकिन इस अकेले बच्चे ने साइकिल के ऊपर जाकर लोगों की दुकानों पर जाकर 20,000 इकट्ठे किए।